जो 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वर्तमान पार्लियामेंट में चुनकर गए हुए हैं, और जिसमें 76 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के भारतीय जनता पार्टी के 303 मेंबर पार्लियामेंट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग शामिल हैं, जो बीजेपी की सरकार बनाने में लगे हुए हैं, उस सरकार को चलाने में लगे हुए हैं, जिसको हमारे पढ़े लिखे लोग, विधायक जी, सांसद जी, यानी आप लोग अपने लोगों को जगाते भी रहोगे, और दलालों और भड़वों को, जिनको बाबा साहब अंबेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस और डन टू अनटचेबल नाम की किताब में दलाल और भड़वे कहा, उनको आप सांसद जी भी कहते रहेंगे, आप विधायक जी भी कहते रहेंगे, और आपको इस बात का मलाल भी होगा कि यहां लोग उपस्थित नहीं है। अरे लोग उनके साथ जाएंगे, इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट के, सांसद जी के साथ जाएंगे, विधायक जी के साथ जाएंगे, कि आपके साथ आएंगे, कफल्लक लोगों के साथ में, उनके साथ जाएंगे ना, उनके साथ जाएंगे। जब तक आप उन दलालों और भड़वों के बारे में जिनको बाबा साहब अंबेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल में दलाल और भड़ुआ कहा, आप कह सकते हो जो बाबा साहब अंबेडकर ने लिख कर रखा वो कहने की भी आप लोग जरूरत नहीं करते हो, तो लोग जागृत कैसे होंगे? उनसे लोग कटेंगे तो यहां मैदान में आएंगे, उनसे जुड़े रहेंगे आपके मैदान में कैसे आएंगे? और क्यों आएंगे? सांसद के पास जाएंगे ना, विधायक के पास जाएंगे, आपके पास क्या आएंगे? क्या है? अगर आपने पुलिस चौकी में टेलीफोन किया तो पुलिस चौकी वाला आपकी सुनता नहीं है, उसकी सुनता तो है कम से कम सांसद की और विधायक की, उसके साथ जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव इस देश में मनाया जा रहा है, और हमारी महत्वपूर्ण समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। देश को चलाने वाले जो लोग हैं वो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मगर हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आजादी को हासिल करके 75 साल हो गए, मगर हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का कोई समाधान हुआ नहीं। और अगर समाधान नहीं हुआ तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो इस देश के बहुसंख्यक लोग हैं वो बहुत सालों तक कांग्रेस से उम्मीद लगाकर बैठे थे कि ये लोग हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, इसीलिए वर्षों से उनको वोट देते रहे, उनसे उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, तो फिर उन लोगों ने बीजेपी का दामन पकड़ लिया, और सेंट्रल में अभी बीजेपी की लगातार 8 साल से सरकार चल रही है, और किसी समस्या का हमारा जो बहुसंख्यक समाज है उसका समाधान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर होता तो फिर ये न्याय अधिकार सम्मेलन को आयोजित करने की जरूरत नहीं थी। ये न्याय अधिकार सम्मेलन इसलिए आयोजित हुआ या किया गया तमाम संगठनों के लोगों ने, क्योंकि ये उम्मीद उन लोगों से भी पूरी नहीं हुई। तो मैं इस संदर्भ में बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग सदियों से इस देश में अन्याय करने वाली व्यवस्था को बनाकर चला रहे हैं,
उन लोगों के द्वारा बनाए गए संगठन को हमारे लोगों ने साथ सहयोग दिया। शेड्यूल कास्ट के लगभग उस अन्याय करने वाले समाज ने 1703 टुकड़े किए। शेड्यूल कास्ट की 1703 जातियां है देश में। आदिवासियों के 801 टुकड़े हैं और पिछड़े वर्ग के 3743 टुकड़े हैं मंडल कमीशन के अनुसार। ये तीनों मिलाकर 6247 जाति के टुकड़े हैं। उन्हीं लोगों ने किए हजारों सालों से। हम लोगों जिन लोगों ने हमारे 6247 टुकड़े किए उन्हीं लोगों से हम लोगों ने उम्मीदें पाली थी, ये लोग हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और इसीलिए हमारे लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया, फिर वही लोग बीजेपी का साथ देते रहे, उनसे भी उम्मीद पूरी नहीं हुई। अन्याय करने वाले समाज ने एक पिछड़े वर्ग के आदमी को, एक ओबीसी के आदमी को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट किया। मैं नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी रियल रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमारे समाज का रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। तो हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को, मैं अनपढ़ों को नहीं कह रहा हूं कि अभी तक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन भी समझ में नहीं आता, पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन क्या। जो लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर ने 1932 में रियल रिप्रेजेंटेशन और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन के बीच में, गांधी जी के बीच में और बाबा साहब अंबेडकर के बीच में लड़ाई हुई। हम बाबा साहब का नाम तो लेते रहते हैं और जयकारे भी बहुत लगाते रहते हैं, जय जयकार भी बहुत करते रहते हैं, मगर बाबा साहब अंबेडकर की और गांधी जी के बीच की लड़ाई क्या थी, इसको जाने बगैर ही हम आज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मुझे तो नहीं लगता इस तरीके से लड़ाई लड़ी जा सकती। जो कौम इतिहास से सबक नहीं सीखता वो कौम कभी अपना आंदोलन, स्वाभिमानी आंदोलन नहीं चला सकता, आत्मनिर्भर आंदोलन नहीं चला सकता, अपने बल पर आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता अगर इस इतिहास को आप जानते नहीं। 1932 को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन और रियल रिप्रेजेंटेशन, इसके बीच की जो लड़ाई है बाबा साहब अंबेडकर और गांधी के बीच में लड़ाई थी। और बाबा साहब अंबेडकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रियल रिप्रेजेंटेशन का 17 अगस्त 1932 को अधिकार हासिल करने में कामयाब हुए थे। इतने पढ़े लिखे लोगों को यह बात जानकारी है कि गांधी जी ने इस अधिकार को आमरण अनशन करके छीन लिया। इतने पढ़े लिखे लोगों को बताया, तो आपको ये इतिहास लोगों को बताना पड़ेगा। यह वजह है जिसकी वजह से हम लोग सारे देश भर में ये कह रहे हैं कि आजादी का आंदोलन नहीं था। यदि आजादी के आंदोलन का नायक हमारे लोगों को आने वाले आजादी में और आने वाले लोकतंत्र में रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है, उसके विरोध में आमरण अनशन करने के लिए तैयार है, उसको आप लोगों ने आजादी के आंदोलन का नायक माना। उसको नंगा करना पड़ेगा, वैसे तो वो आधा नंगा ही है, थोड़ी आधी कोशिश करनी पड़ेगी, ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आधी कोशिश करने के लिए भी आप राजी नहीं है,
आप अपने आप अपने लोगों को इसके लिए जागृत नहीं करोगे तो आपके साथ जो उनके साथ लगे हुए हैं, अरे आपके साथ आएंगे कैसे जब तक उनसे आप लोग अलग नहीं करोगे। उनसे उनको अलग करना पड़ेगा तो फिर ये मैदान भरेगा, क्यों नहीं भरेगा? ये मैदान कि मैंने अधिकारियों को पूछा भाई कितने भर सकते हैं, तो आधा ही रख दिया, अभी तो ये तो पूरा रखा ही नहीं। मैंने अभी आते आते पूछा, अरे ये तो मैं अभी बुक करने वाला था ये पूरा भरने के लिए, अभी मैं दूसरा कार्यक्रम यहाँ पूरा, मैंने कहा तो थोड़ा आधा ही रह गया, तो यहाँ कार्यक्रम करने का थोड़ा कोई मीनिंग नहीं रहा अभी तो, क्योंकि तो हम लोग जितना इकट्ठा कर सकते हैं तो उसके लिए जगह ही नहीं हो रही है अभी। रामलीला मैदान 2-3 लाख लोग तो हमने आरएसएस के हेडक्वार्टर 3.5 लाख लोग लेकर गए थे, यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ तो 60-70 हजार से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आजादी का आंदोलन होता तो फिर गांधी जी को हमारे लोगों के मिले हुए अधिकारों के विरोध में आमरण अनशन करने की क्या जरूरत थी? अगर वो हमारे ही मिले हुए अधिकारों के विरोध में छीनने के लिए आमरण अनशन कर रहे थे तो फिर वो आजादी का आंदोलन भी चला रहे थे, वो कैसा चला रहे थे? ये सिंपल सवाल हमारे दिमाग में पड़ना चाहिए। इसलिए साथियों, मैं आपको इतिहास को खंगालना पड़ेगा, और बहुत पुराना इतिहास नहीं, आधुनिक भारत में जहां 1848 से लेकर ये आधुनिक भारत में लड़ाई लड़ी गई है उसका इतिहास तो कम से कम हम लोग ठीक से समझे। अगर उसका इतिहास ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो फिर हम आजाद भारत में, जो हमें आजादी नहीं मिली है, पुलिस चौकी में हमारा एफआईआर नोंद नहीं होता, भाई आजादी मिली है, क्या आजादी मिली है? हमारे लोगों को आदिवासी इलाके में 500 आदिवासियों को एफआईआर नोंद करने के लिए जाना पड़ता है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह संवैधानिक अधिकार है, एफआईआर संवैधानिक अधिकार है, वो एक आदमी पुलिस चौकी में जाकर नोंद कर ले तो नोंद होना चाहिए, नहीं होती, कहे की आजादी है? इसको आजादी कहा जा सकता है? इस देश में आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है 131 मेंबर पार्लियामेंट, और 1000 से ज्यादा एमएलए है पार्लियामेंट में, उनको कोई बोलने नहीं देता। अरे आपकी छोड़ो, आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में कोई बोलने नहीं देता। जब आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बोलने नहीं देता कोई, और लोकसभा का सभापति ही उनको रोकता है, हीरालाल परमार का नाम सुना? 82 में संसद में, जब 82 में रिजर्वेशन विरोधी आंदोलन हुआ था गुजरात में, वो संसद में बोलना चाहता था तो सभापति ने कहा, परमार जी आपकी कांग्रेस पार्टी ने आपका नाम बोलने के लिए नहीं दिया है, आप नहीं बोल सकते। हम बहुत जल्दी भूलने वाले लोग हैं, हमारे पिछवाड़े पे डेली लात पड़ती है, मगर भूलने का हमारा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं और फिर नई नई कहानियां हमारे सामने आती रहती है। साथियों, एक तो ये बात हम लोगों को, ये जो 1848 से लेकर 1956 तक का जो आधुनिक भारत का इतिहास है, अगर उसे ही ठीक से समझ लो, बहुत पुराना, 2-3 हजार साल का छोड़ो, ये भी अगर इतिहास ठीक से समझ लो और समझकर उसके सबक लेकर अगर आप अपने लोगों को जगाने का काम करो तो लाखों लोग ये मैदान पर इकट्ठा हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? तमाम संगठनाओं के कार्यकर्ता यहां मंच पर इकट्ठा आए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, मगर ये निश्चित रूप से हम लोगों को दुखी करने की बात है कि यहां 90% कुर्सियां खाली है। निश्चित रूप से हम लोगों को दुखी है, तो जो केंद्र सरकार चलाने वाले बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, क्या मैसेज गया यहां से? बहुत गलत मैसेज गया, बहुत दुखी करने वाला मैसेज गया। उनका हौसला बढ़ता है इस वजह से, हमारे दुश्मनों की हिम्मत बढ़ती है इससे, तो ये हमारी समस्या है और ये समस्या रहेगी। एक तो ये बात मैं आप लोगों को
बताना चाहता हूं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं तीन ही बात बोलूं। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को इस देश में परिवर्तन करने के लिए आंदोलन चलाना होगा।